करता हूँ मंदिर लाइक ड्रिंकिंग सॉन्ग लाइक नमस्ते से नमस्ते पास हाउ आह यस ओके 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 यू वांट यस लेट्स गो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आज मैं हूं कजाकिस्तान के शहर अलमाती में और आज मैं आपको मिलाता हूं अपने एक दोस्त। हेलो, व्हाट्स योर नेम? जाना। माय नेम जाना। जाना जाना जाना। तो आज ही हमें थोड़ा सा यहां पर कजाकिस्तान की अलमाती की सड़कों पे इन्होंने काफ़ी घुमाया, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है और आप इनकी उम्र मतलब गैस नहीं कर सकते कि सी इज़ 44 years old and she looks like 25, you know? अब हम चलते हैं, ये महिला हमें कुछ यहाँ पे मार्केट में शॉपिंग कराने के लिए लेकर आई है, तो आइए देखते हैं यहाँ की मार्केट जो कि काफ़ी बड़ी है। हम इस टाइम एक मॉल के अंदर हैं जिसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको बताऊँगा। हेलो, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और यहाँ पर अल्कोहल काफ़ी चीप रेट पे, यानी कि इंडिया के मुकाबले अगर बात करूँ तो इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। अभी जैसा कि इन महिला ने हमें बोला है इस ड्रिंक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ड्रिंक? कन्याक, जो कि हमें इंडियन रुपीस में करीब 500 रुपए में पड़ी है। तो कजाकिस्तान की काफ़ी अच्छी ड्रिंक मानी जाती है। कजाक फाइव स्टार इसका कुछ रेटिंग है या जो भी है। तो हाउ टू ड्रिंक विद ड्रिंक एंड लेमन योर सेइंग समथिंग लाइम? No, no, you need drink one. Short. Yeah. Lemon. With lemon. Yes. With lemon. तो इन महिला ने कहा है जैसे हम वोडका के शॉट्स लेते हैं, थोड़ा सा शॉट लेके सीधा लेमन के साथ तो और पहुंच जाओ दूसरी दुनिया में। Yes, like a whiskey. Alcohol is 40%. Yes, yes. तो इसमें 40% alcohol है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मतलब ये इंडिया का देसी ठर्रा हमारा इंडिया की दारू लगभग वैसी होगी। मजाक कर रहा हूँ। तो अभी हम ये एक ले चुके हैं और ये रहे हमारे ब्रांड ब्लैक लेबल, रेड लेबल जिसका रेट है 10,005, यानी कि यह करीब आपको 10,005 चाहिए में अगर ये यहाँ दिखा रही है तो आपको इंडियन रुपीस में 2,000 रुपये में मिलेगी आपको ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सारी दारू है। ये है मालिबू जो कि मैंने इंडिया में ट्राई की है और ये इसका रेट है 9,150 चाहिए, ये करीब आपको लगभग वही 2,000 रुपये के अंदर ही मिलेगी ये मालिबू। तो अभी ये महिला हमें मतलब यहाँ पे पूरा लगता है ठेका ही दिलवा कर रहेंगी। कैसा हूँ मंदिर लाइक ड्रिंकिंग सो मच वोडका। हाँ ओके, इट इज कजाक वोडका। यस, हाउ मच? 14 अल्कोहल, 40% अल्कोहल है इसमें, इनका कहने का मतलब। और ये कजाक की वोडका है ये और ये करीब 1280 टेंगे, यानी कि ये करीब 220 रुपए के करीब ही आपको पड़ेगी। तो ज़्यादा महंगी नहीं है यार, दारू पीने के जितने भी शौकीन हैं इंडिया में यहाँ पर आओ यार, क्या कर रहे हो इंडिया में? नहीं तो अभी इन महिला ने हमें कुछ ये वाइट वाइन टाइप का कुछ दिलाया है। इट इज वाइन फ्रॉम फ्रांस, प्रिंस लुई, माय फेवरेट वाइन एंड वेरी गुड। एंड हाउ मच फॉर दिस? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1555, ये करीब 200 रुपए इंडिया में। $5, ये करीब 250 रुपए के करीब ही है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसी है। तो ये जो वाइन देख रहे हैं ये सारी कजाकिस्तान में ही बनी हुई है। यस, बिगुल, बायांसू, इट इज ऑल फ्रॉम कजाकिस्तान। रेड वाइन, रेड एंड वाइट वाइन। तो वाइट वाइन हम ले चुके हैं और ये है रेड वाइन जिसका प्राइस मैं दिखाता हूँ आपको, करीब
875 टेंगे, ये करीब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 रुपए के अंदर ही मिलेगी आपको जी। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, देख सकते आप। और बॉटल्स अगर देखें इनकी तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ 250 रुपए में आपको ऐसी वाइन मिल जाए, वो भी रेड वाइन, तो आप सोच सकते हैं काफ़ी सस्ती है। अभी हमने एक रेड वाइन और लिया है, because no I mean like it's written in Kazakhstan language or Dostarkhan name no I mean language it's Russian or Kazakhstan Kazakh ye Kazakh ye Kazakhstan mein hi bani hai Kazakh but Kirillica alphabet name name and write Kazakh okay aur abhi hum yahan par aaye hain kuch chai lene ke liye Indian जैसे देखो यहाँ पे इंडियन चाय है, ये महिला में दिखा रही है, देखो इंडियन लाइक नमस्ते से नमस्ते रिक्लामा इंडिया तो हमारा इंडिया भी भाई काफी फेमस है। अफ्रीका अफ्रीका की है चाय, कुछ केन्या की है, और यहाँ पे असम तो देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन चाय भी मिलती है, और ये देखो इस पे ताजमहल भी बना हुआ है। इंडियन चाय फ्रॉम उज़्बेकिस्तान हलवा, ये हलवा है जो कि हिंदी में भी इसे हलवा ही कहा जाता है, स्वीट है। ये जामुन टाइप का कुछ है, शायद जामुन ही है। अंजीर बनान ये केले की बनी हुई कुछ बनाना रोल कुछ तो खाने के लिए यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्वीट्स में भी आपको ऐसे कुछ मिठाइयाँ हलवा कहते हैं, और कुछ काफ़ी कुछ मिल जाएगा जो कि काफ़ी सस्ते हैं। ये सेब का बना हुआ कुछ एप्पल से बना हुआ कुछ दिखाया है उन्होंने, जो कि काफ़ी सस्ते में 100-200 रुपए में आप काफ़ी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं यहाँ से। और अभी हम आए यहाँ ड्राई फ्रूट्स की तरफ, और ये भी मैंने एक पीनट्स का पैकेट लिया जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है, और इसका रेट है करीब 520 टेंगे, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये। और यहाँ पर अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आलमंड, ये बादाम का पैकेट है, ये है करीब 1400 टेंगे का, यानी कि ये करीब आपको पड़ेगा 300 रुपए में। तो 300 रुपए में अगर आपको ऐसा बादाम का पैकेट मिलता है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट जो मैंने अभी लिया है वो है ये पीनट्स, और एक ये लिया है बनाना का, केले का एक कुछ है ये, तो जो भी है खा के बताऊंगा कैसा लगा मुझे। और ये लगभग आम पापड़ जैसा, ये है अनानास का बना हुआ, और ये है मैंगो का बना हुआ। अब हम आए हैं यहाँ पर चॉकलेट लेने के लिए, तो ये जो चॉकलेट है ये कजाकिस्तान गोल्ड, ये कजाकिस्तान की ही चॉकलेट है। और इसका प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 312 टेंगे, सिर्फ 60 रुपये में आपको ऐसी चॉकलेट। ये देखिए 289 रुपीज़, यानी 289 टेंगे, यानी कि करीब 60 रुपये की चॉकलेट में आपको 1000 रुपये का डॉलर मिल रहा है, 100 डॉलर मिल रहा है, ओह माय गॉड। और अभी फाइनली हमने ये थोड़ी सी शॉपिंग की है, क्योंकि हमारा लगेज भी, और हम ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हमने जो भी कुछ लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। और यही है वो औरत जिसने हमें सामान दिलाया है, लेकिन पैसे हमें ही देने पड़ेंगे भाई, दिलाया है खाली ही। तो और अब हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग जो की है, इसके बाद हम अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आज ही हमारी फ्लाइट है। और ये देखिए ये जो महिला है,
हमें इस गाड़ी में लेने के लिए आई है, जो कि ऑडी है, काफ़ी पुरानी ऑडी है। लेकिन इस महिला को ये कार इसकी जान से भी ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये ड्राइवर है इसकी। क्या थैंक यू। सो ये महिला काफ़ी हेल्पफुल है, देख सकते हैं जैसे कि आप। ये देखिए, अब हम चले महिला के साथ घूमने के लिए। Cognac. Green. You see? Oh. Three, five. 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 Yes.